बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप इंतहा की, अक्टूबर चल रहा है ब्रो, समझ नहीं आ रही कि मौसम हमारे साथ क्या बिहेवियर दिखा रहा है। केड़े अच्छे व्लॉग, व्लॉग आंदे नहीं पाई, देख लो इसकी शक्ल है, बंदा व्लॉग अपलोड नहीं करता है, ये करता है भाई आप लोगों के साथ गलत बयानियां। मुझे कहता है इसके स्टार्ट वाले बल्कि व्लॉग्स देखो जाके, फादीज लाइफ के नाम से इसका चैनल है, मैं रोज व्लॉग बनाऊंगा, मैं डेली व्लॉगिंग करूंगा, तू नहीं अपलोड करती, गजब बेइज्जती है। और भाई क्या बना, शुरू करता हूं मैं अपलोड, किन्हें करना शुरू कर लेता, शुरू कर लेता, खत्म नहीं होता भाई, शुरू कर लेते, खत्म होना नाम नहीं है, चल नहीं जा रहे हाले तक। यार आज का क्या सीन है यार, वी आर ऑन द वे टू लाहौर, मेरी वजह से आज जा रहे, क्योंकि मुझे काम है, मैंने एक इवेंट पे जाना है, मुझे कह रहे तुम पेट्रोल डलवाओगी, वो दिन कहाँ पे है, वो भी लोग कहाँ पे है, जब हर हफ्ते बाद में लौट छोड़ने जाता होता था, लेने जाता था। उस वक्त मैं एक स्टूडेंट थी, ठीक है ना, और जब इंसान स्टूडेंट होता है बंदा गरीब होता है, हुन अहमद आंदा, बट फॉर अ फैक्ट आई एम स्टिल अहमद आंदा, वो आप स्पॉन्सर करता ना, क्योंकि वो कमा रहे हैं, हुन तू एडे काम कर रही है, क्लिनिक जानी, यूं कर दी, कमा रही है, हुन तू सानू स्पॉन्सर, बट मैं इस लेवल वाला अभी नहीं कमा रही ना, कि तुम लोग की खर्चे वर्चे पेट्रोल जो वो स्पॉन्सर कर, साडा खर्चा थोड़ी, असि तो नाल जा रहे, बस उधर रोटी दा खर्चा सी अपना आप ही करांगे, रोटी मेरे लोग खा लियो, पेट्रोल पा लो, पेट्रोल पा लेंगे, मेरा दिल दुखदा पता नहीं क्यों, आई हैव दैट प्रॉब्लम, खाना मेरी तरफ से ब्रो, दिस इज द रुपया जो हमारे पास आज, कर दो आवाज और कर दो, कॉपीराइट आ जाए यार, आ जाए, पहले चैनल ही चल रहा, ये लोग भी ना देख नहीं सकते यार, ये हमारे पास पैसे आ चुके हैं यार पेट्रोल डलाने के लिए, एंड शुक्रिया टू प्यारी मम्मा, किधर गई, हेलो, A few moments later. यार मेरे घर वाले ब्रेक ऐसे लगवा रहे थे जैसे हम 5-6 घंटे से ट्रैवल करते हैं, मतलब घंटा हुआ था यार, रिफ्रेशन अप हो जाए, रुक जाए, फ्लां कर ले, बस खत्म यार, मैं इनके साथ ना मजीद मैं नहीं रह सकती, बहुत हो गया मम्मा, बहुत हो गया, आपको ना यार फाइनली मेरा दिल करने लग गया शादी करने को, फाइनली जो पिछले 1.5 साल से मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, मैं पहले कहती थी नहीं मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं करनी, बट फाइनली मुझे लगता है कि यार दुनिया में इतने भी बुरे लोग नहीं एग्जिस्ट करते जितना मैं समझती थी, बट यस हम करेंगे एक दिन स्टोरी टाइम, जिस दिन मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि मेरा ये कॉन्सेप्ट क्यों था और सोसाइटी में क्या चल रहा है जिस वजह से मेरा दिमाग इतना खराब रहता है लोगों के ऊपर, ब्ला ब्ला ब्ला, बाद में बताएंगे, चलो फिर मैं अपना रिश्ता प्रोफाइल आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कैसा लड़का चाहिए, मम्मा इतने वो अजीब अजीब से आदा ने आना हरकत ही की थी कि मेरा व्लॉग शुरू करने तो पहले करी दोबारा यार ड्रामे ना कर, मैं तेरे क्या हरकत नहीं की थी वो करके दिखा प्लीज फादर, इसे कोई अजीब सी आवाज़ निकाल रहा था। यार अभी हम लोग यार लाहौर पहुंच चुके हैं, एमन को मैंने कॉल कर दिया, हाँ एमन से मैंने मिलने जाना है अभी यार, उसको कॉल कर दिया मैंने, कहा यार रास्ते में बेचारी नहीं यार, 2 बजे ड्यूटी पे जाना है और 1 बज चुके हैं तकरीबन हमें, चलो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो इतना जा रही है, उन्हें मिलने को घंटा लेट नहीं जा सकती ड्यूटी तक, यार गवर्नमेंट जॉब है उसकी ना, वो क्या कहते हैं, यहाँ तो उसको सैलरी अपनी जगह किसी और को देनी पड़ती है उस दिन की ड्यूटी कराने के लिए, एक घंटा लेट तक ही होता, नहीं लेट तो जितने ज्यादा डाले गवर्नमेंट डाले वो तो समय छुट्टियां कर बताते हैं, अब तो जाहिर है वो कॉमन सेंस है, अब तो बेचारी लेट हो ही गई है मेरी वजह से, अब तो मेरा वेट करेगी जाहिर है, मैं ये बता रही हूँ क्या सीन होता है कि अगर आप डॉक्टर हैं और आप मेडिकल किसी इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहे हैं तो आप लेट जाएंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला करेंगे, लेकिन अगर आपने, मुझे पता है वो मैंने कैमरा नीचे कर लिया इसको, फिर ये शीशे से देखना होता है ना, अच्छा तो क्या सीन है कि आप लेट जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा मसला होगा, लेकिन आप पैसे दे के अपनी ड्यूटी किसी और से करा लेंगे तो फिर सेफ सीन है आपका, ठीक है, तो यहाँ तो वो पहले से किसी को कह देती कि मेरी जगह ड्यूटी कल कर दो और उसको पे कर देती, ठीक है, मेरा तो इरादा था हम सुबह जल्दी निकलेंगे लेकिन किसी ने लेट करवा दिया था, सो चलो कोई बात नहीं देखते हैं, जितना लेट मैं कराया सी ना बेटा उतना कि मेरा स्टिच कटता, 1 घंटा लेट कराया था, कहाँ से निकाल दिया 1 घंटा आपने फाद भाई, चल हजे तो नया तो बड़ा रश होना, सो राइट नाउ आई एम
मैं जिम हॉर्टन्स एक छोटी सी मीटिंग थी हमारी, वो भी चल रही है, तो क्या सोचा हमने यार कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं, छोटी सी मीटिंग है वो हमने वाइंड अप करनी है, उसके बाद फादर पिक करना है और जाना है नुआ के वेन्यू पे। आशीष की बेटी की बर्थडे है जिस वजह से मैं मेनली लाहौर आई थी, लेकिन मैंने सोचा बाकी काम भी साथ साथ करते हैं। एमन से मीटअप हो गया था, वो भी इतना सा टाइम हमें दे सकी, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा ही, और मीटिंग में भी तकरीबन इतना ही टाइम अभी जाएगा, और इसके बाद बस निकलते हैं और फाद को कॉल करते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पर घूम फिर के आए, उन्होंने क्या खाया, कहाँ पर याशियाँ हो रही थी। सो वी विल चेक इट लिटिल लेटर। बाय। 2000 years later. तो भाई साहब मेरे घर वाले कैफे लान तो गए हुए थे, अच्छा अच्छा खाना खा के आए हैं, और मैं मीटिंग्स करती फिर रही हूँ, काम करती फिर रही हूँ। एक जी हमने टिम हॉर्टन्स की कॉफी ली है, क्या 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 कुछ अजीब बात की है, दोबारा बोलो। मीटिंग्स करती फिर रही हूँ, जब हमने कहा ना यार ये वापसी पे जरा पेट्रोल तो डलवा दो गाड़ी में, तुमने कहा ना आए नहीं यार, हम मम्मा खा पी के एंजॉय करके भी खुद ही डलवाते हैं। भाई मैं लाहौर अपने कामों के लिए आई हूँ, तुम लोगों की तरफ फिरने थोड़ी आई, तुम लोग तो वेले हो फिरने आए हो तुम लोग। लेकिन अभी यार हम लोग एमएम आलम पे आ चुके हैं, मैंने सोचा कुछ अभी टाइम है मेरे, कुछ शॉपिंग कर ले। मम्मा का कह लो क्वींस ट्रीटमेंट। ओह क्वींस ट्रीटमेंट, यार इधर कुछ देख लो, कहीं पे चलते हैं, कोई शॉप पे रोक लो जरा यार, अभी कुछ देख लिए, कुछ खरीद लिए, टाइम है एक्चुअली, दुआ भी घर से निकली नहीं है। शादी कराओ ना तो फिर मैं तुम्हें इधर ऑफस्प्रिंग पे लाके शॉपिंग कराऊंगा। शादी, अच्छा आज ही मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि फाइनली मुझे लगता है कि मैंने शादी करानी है। लड़का ढूंढो भाई, प्रपोजल लेके आओ, फिर मैं सिलेक्ट करूंगी उसमें से। तो कह रहे भाई आज का बस यही सीन है फिलहाल, आगे जो चीज़ें होती हैं तो फिर मैं साथ साथ बताती हूँ। अभी हम लोग इधर शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद जाऊँगी दुआ के वेन्यू पे, जुनून रेस्टोरेंट जाना है, और वो इधर गुलबर्ग में ही है कहीं पास, ठीक है। उसकी बेटी की बर्थडे और अभी एक साल की हुई है, मतलब मैं फैसलाबाद से आ रही हूँ बच्चे की बर्थडे के लिए, जो भी एक साल की हुई है, मतलब यार इश्क का लेवल देखो दोस्तों के साथ कितना है हमारा। तो अभी थोड़ी देर में जाएंगे, निकलते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय। हम जा रहे हैं जी एक शॉप पे जिसका नाम है शू रिपब्लिक, ये जी कुछ रेप्लिकास बनाते हैं, तो मैंने कहा देखते हैं क्वालिटी रेप्लिका की कैसे होती है, दिस इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई एम गोना ट्राई ये रेप्लिकास कैसे होते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के, लेट मी शो यू। ब्रो दिस इज द शॉप, ठीक है, लाहौर में ये रेप्लिकास बना के देते हैं आपको इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स के, ठीक है, जैसे YSL हो गया, लूबिटॉन्स हो गए, ये सारे इधर आर्टिकल्स लगे हुए हैं, ठीक है। डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे किस तरह के लगे हैं प्रोडक्ट्स। मैं एक YSL की हील्स देखने आई थी कि वो कैसे लगते हैं, वो उनसे पूछते हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो उधर जाके दूसरी साइड पे चेकआउट करते हैं, ठीक है। ये वैसे मज़े का लग रहा है, देखें ज़रा, लग तो ही अच्छा रहा है, देखते हैं भाई, एक्सप्लोर करते हैं। ये मेरे साथ मेरी बहन आ चुकी है, हमारी हर दफा बात से फाइनली आई एम सो हमारी हर दफा पिक्चर्स रह जाती है, वीडियोस रह जाती है, लेकिन आज यार फेमस करा दो ब्रो, तेरे ड्रामे, तेरी एक्टिंग, मेरी जान, एंड लेवल। अभी मैं तुम लोगों का सेटअप एक्सप्लोर कराती हूँ, जिसकी बर्थडे है उसको भी एक्सप्लोर करवाएंगे। हाय भाई, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, माशाल्लाह शी इज लुकिंग सो प्रीटी बेबी। ये हमारे पास जी सेटअप है, यहाँ पे हम केक कटिंग करेंगे और गेस्ट वगैरह तकरीबन आ चुके हैं। ये फाज साहब की व्लॉगिंग चल रही थी, जस्ट इग्नोर हिम। मेरी प्यारी मम्मा थक चुकी हैं, मम्मा आप थक गई हैं सुबह से लाहौर फिर के हैं, बताओ। So we will finally, I have changed my outfit. पहले हमने pictures बनाई, photo session किया, लेकिन I wasn't comfortable. फिर मैंने outfit change किया. नया vlog ही शुरू कर लिया, नहीं अभी वही vlog जा रहा है और ये यही जाएगा आज का पूरा दिन। तो this is the outfit, ये चीज़ sapphire से लिया था, silk outfit, इसके साथ जी मैंने heels pair up की हैं। और क्या सीन है, अभी बहुत गर्मी है इधर ऊपर, हम बाइक ऊपर हैं फोटोशूट करने के लिए और ज़्यादा गर्मी है, अभी नीचे चल जाएंगे और फिर बाद में वापस आ जाएंगे। और ये हमने बच्चे का जो गिफ्ट प्रिपेयर किया है, हियर इट इज़, मैं खोल
खोल के नहीं दिखाऊंगी तुम लोगों को। अब जाहिर मैं खोल के दिखा सकती, फिर पैक करना पड़ेगा, बस बच्चों वाली चीजें। व्हाट आई कैन से एल्स, सो फाइनली हमारा फोटोशूट हो चुका है, अभी सबका हाइट ही चल रहा है, ठीक है, लाइक दिस वे। हाँ जी, क्या कह रही हैं? मेरी अम्मा जी मदीहा की बेटी को खाना खिला रही है। मम्मा कैसा लग रहा है, पुराना टाइम आ गया आपका। अम्मा हमें भी ऐसे खिलाती थी, तुम्हें भी ऐसे खिलाती थी, याद होना चाहिए तुम्हें। व्हाई डोंट यू रिमेम्बर दिस? क्या हुआ, उसको अच्छा लग रहा है? 2 hours later बहुत 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 ज्यादा हेक्टिक और बिजी दिन हो चुका था। अभी हम बर्थडे से फ्री हो चुके हैं, तकरीबन 7 मिनट बज गए। ब्रो मेरे लिए हेक्टिक हुआ, मैं फिर नहीं रही थी, मैं कुछ काम भी साथ देख रही थी, ठीक है। हेक्टिक इन द सेंस कि मैं सुबह 7 बजे से उठी हुई थी, तो अभी शाम 7 बज चुके हैं। अभी हम लोगों ने क्या करना है, एक छोटा सा और मीटअप है एक जगह, वो करना है, उसके बाद जी वापस निकलेंगे फैसलाबाद को। बहुत फिट सीन हो गया, तुम लोगों ने पिक्चर्स वीडियो सब कुछ साथ साथ देख लिया होगा। और चलो उन्होंने गल ला ली, चलो ठीक है यार, बाकी घर जाके मिलेंगे, उस तो बाद अपना व्लॉग एंड करांगे। बाय बाय, बैक टू होम। सुबह जब मैं गई थी यार कपड़े और थे, फिर वापसी आई हूँ, कपड़े बदल के जादू हो गया मेरी जान। और मेकअप आज इतना फ्लॉलेस हुआ है, अभी तक सेट है और बस खत्म हो गया, मतलब मेकअप और ये आउटफिट, मतलब क्या लग रही हूँ आज मैं। खैर आज का व्लॉग हम इधर ही एंड करते हैं, मैं तुम लोगों को सुबह मिलूंगी, क्योंकि काफी 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 ज्यादा मैं थक चुकी हूँ। अभी सिर्फ हमने करना है रेस्ट, और ये बैग में से जी हमने सामान वगैरह निकाल के वापस शिफ्ट करना है वार्डरोब के अंदर, और उसके बाद जी सिर्फ सोएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि हाइटी कर ली है और बिल्कुल भूख वाला अब सीन खत्म हो चुका है। तो इंशाल्लाह सुबह ही नाश्ता होगा और कल ही बाकी सारी अब चीज़ें कंटिन्यू होगी। आई सी यू गाइस टुमारो, अंटिल देन टेक केयर, लव यू, बाय। और मेरी जान, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, कमेंट डाउन करना है कि व्लॉग्स किस तरह के चाहिए। बाय।